इन्हों ने पंजाब के नाल धोखा किया, इन्होंने पंजाब के नाल तो धरोह कमाया। केंद्र सरकार को चेतावनी दिंदे आ कि यह जी पंजाब की प्रतिनिधि जी इन्होंने खत्म की इनू तुरंत बहाल किया जाए, नहीं तो फिर अगले बन्ने तिखे संघर्षा का जरा सामना वो केंद्र सरकार को करना पेगा। सूबिया के अधिकारां ते डाका मारिया गया, पूरे पंजाब इस तरीके अर्थी फूक मुजारे किए जा रहे। ये एम एस पी गरंटी कानून वह बनाया जाए, सारे केस किसानों तो वापस ले जान, शहीदों मुआवजा दिता जाए, लखीमपुर खीरी के दोषियों सजावं दतिया जा। बारहवीं की जमात के जड़ा भी गुरु साहबान के विरुद्ध दुरप्रचार किया किताब हटाई जाए, दोषियों खिलाफ कार्रवाई की जाए। आर एस के कहते इन्होंने ये पंजाब के जड़ा सिक्ख्या बोर्ड के प्लस टू के किताबों के साडा इतिहास बिगाड़िया। किसानी अंदोलन फतेह करने तो बाद फिर किसान जथेबंदियां सड़कों पर उतर आईया ने। हुण भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड चों पंजाब नूं बाहर कढ़न दा मुद्दा गरमा गया है। इस मामले ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने फिरोजपुर च मोदी सरकार दे पुतले फूक के रोस मुजहरे किए अते सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। इस मौके पर किसान आगुआ ने कहा कि केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड चों पंजाब की हिस्सेदारी खत्म करके पंजाब दे नाल धरोह कमाया है। ये सीधे तौर पर पंजाब के मौलिक अधिकारां ते डाका मारिया है। संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलता है जी, असी हमजा पिंड मजीठे विखे अज मोदी सरकार की अर्थी साड़ी आ जिहड़ा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट दे विच पंजाब ते हरियाणे की हिस्सेदारी खत्म की गई आ। सूबिया के अधिकारां ते डाका मारिया गया, पूरे पंजाब इस तरीके अज अर्थी फूक मुजारे किए जा रहे। इहदे नाल नाल एम एस पी गरंटी कानून वह बनाया जाए, सारे केस किसानों तो वापस ले जान, शहीदों नूं मुआवजा दिता जाए, लखीमपुर खीरी के दोषियों नूं सजावं दित्तियां जान। इहदे नाल बारहवीं की जमात के जड़ा भी गुरु साहबान के विरुद्ध दुरप्रचार किया किताब हटाई जाए, दोषियों खिलाफ कार्रवाई की जाए। एस जी बी सी का भी बिच ना आ रहा, उन्होंने भी जड़े बंदे गलत किताब है उन्हें तुरंत हटाया जाए। आने वाले समय में अंदोलन होर तेज करांगे, तिखा करांगे और बिल्कुल मोदी सरकार नूं पंजाब दे हक्कां ते डाका नहीं मार देंगे। अज पंजाब भर के किसान मजदूर संघर्ष जथेबंदी वालों जोड़े आ केंद्र सरकार के पुतले फूक के ते पंजाब सरकार के पुतले फूक के रोस मुजहरे किए गए आ, जिदे फिरोजपुर के जिले के सत्त थावां ते फूके गए। वो तहत जीरा के मेन चौंक के घंटाघर जिते आ इतने पुतले फूक के केंद्र सरकार खिलाफ जोड़े आ रोस मुजहरा किया, क्योंकि इन्होंने जी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट के पंजाब की प्रतिनिधि आनू बिल्कुल खत्म करके इन्होंने पंजाब के नाल धोखा किया, इन्होंने पंजाब के नाल तो धरोह कमाया, जिदे विरोध के अज पूरे जिले के थां थां ते जिहड़े इन्होंने पुतले फूक के रोस मुजहरे किए गए आ। और असी केंद्र सरकार को चेतावनी दिंदे आ कि यह जी पंजाब की प्रतिनिधि जी इन्होंने खत्म की इनू तुरंत बहाल किया जाए, नहीं तो फिर अगले बन्ने तिखे संघर्षा का जिहड़ा सामना वो केंद्र सरकार को करना पेगा। दूजे पास जिहड़ी पंजाब सरकार आ जिन्होंने सिख इतिहास के नाल सिख गुरुआं दे इतिहास के नाल छेड़खानियां कीतियां, साडा माण मत्ता पंजाब का इतिहास आ, सिख कौम का इतिहास जिहड़ा कुर्बानियां भरिया, पर इन्होंने आर एस एस के उन्होंने दलाल आए। आर एस के कहते इन्होंने ये पंजाब के जिहड़ा सिक्ख्या बोर्ड के प्लस टू के किताबों के साडा इतिहास बिगाड़िया, साडा माण मत्ता कुर्बानियां भरा इतिहास इन्होंने जिहड़ा बिगाड़ की कोशिश की आदि खिलाफ भी अज जे रोस मुजहरे किए आसी पंजाब सरकार को भी चेतावनी देने कि असी ये शहीदों की धरती आ और ये शहीदों ने 93% कुर्बानियां दे के देश को आज़ाद कराया सी, पर असी ये कदा चित भी बर्दाश्त नहीं करा कि साढ़े शहीदों नाल साढ़े गुरुआ का अपमान किया जाए, उन्होंने इतिहास को बिगाड़िया जाए। असी ये सरकार को चेतावनी दिंदे आ कि जिहड़े राइटर ने जिहड़े लेखकां ने ये घिनौना काम किया, चाहे उन्होंने आर एस एस के कहने किया, उन्होंने तुरंत गिरफ्तार करके जेलों के सुटा जाए, तो जिहड़ियां पबलिश कीतियां किताबां उन्हां ते बैन लाया जाए, तो तुरंत सारियां वापस मंगाईयां जाण। ये पंजाब सरकार नूं
सख्त चेतावनियां नहीं तो ये भी आने वाले दिनों के पंजाब के लोग ये लड़न लिए मजबूर होंगे तो तिखे संघर्ष हो गए। किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि जेकर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के विचों पंजाब की प्रतिनिधता तुरंत बहाल ना की तो आने वाले दिनों के सरकार तिखे अंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। हुण देखना होगा कि केंद्र सरकार अपने फैसले नू वापस लैंदी है या नहीं। फिरोजपुर तो परमजीत सिंह पम्मा की रिपोर्ट। चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।